पांच सीटों के रुझान अब तक आ चुके हैं, तीन पर MNF, दो पर ZPM। लेकिन संजय जी, कल जो नतीजे आए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उनकी तो कोई छाया मिजोरम तक हम नहीं पहुंचती देख रहे हैं। नहीं, आपने जिन राज्यों का जिक्र किया, देखिए अगर कल के चारों राज्यों को देखें तो कहीं भी पहले बातें हो रही थी कि राजस्थान क्या हंग हो जाएगा, क्या तेलंगाना में कांटे की टक्कर है। अगर वोट प्रतिशत के हिसाब से देखें तो सचमुच दो राज्यों में, तेलंगाना में सिर्फ 2% का फर्क है BRS और कांग्रेस के बीच में, लेकिन सीटों का फासला बड़ा है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी दोनों पार्टियों के बीच सिर्फ 2% का फर्क है, लेकिन सीटों का बड़ा फासला है। तो हंग होने की गुंजाइश तो पिछले जो चारों राज्यों में एक तरफा मैंडेट हुआ, पता नहीं क्या मिजोरम उसी ओर रुख करेगा जिस ओर चारों राज्यों का रुख रहा। कल जब वोटों की गिनती हो रही थी, चारों राज्य में डिसिसिव मैंडेट है, लेकिन मुझे लगता है कि डिसिसिव मैंडेट अगर हुआ भी तो बहुत करीबी मामला होगा, बहुत ही करीबी मामला। लेकिन ट्रायंगुलर कंटेस्ट में, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, ट्रायंगुलर कंटेस्ट में शायद हंग असेंबली की गुंजाइश बनी हुई है। हंग असेंबली की गुंजाइश बनी हुई है, लेकिन यही बातें शांतनु दूसरी स्टेट्स को लेकर भी कही जा रही थी कल, खासकर राजस्थान, छत्तीसगढ़। जी 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 जी, और कल आई थिंक पता लगा लोगों ने डिसाइसिव मैंडेट दिया है, बल्कि जैसे संजय जी कह रहे हैं कि ये ट्रायंगुलर है, बल्कि इसमें ट्रायंगुलर तो है एक बीजेपी का अलग, बीजेपी को भी पिछली बार 7-7.5% वोट मिला था मिजोरम में। और जो जो आपके अभी रिपोर्टर भी बता रहे थे कि कांग्रेस को 30% वोट मिलने के बाद केवल 5 सीटें मिली थी, ऐसा बहुत कम होता है कि मतलब लोग तो 30% वोट शेयर में सरकारें बना लेते हैं उत्तर प्रदेश में, बनाई है उन्होंने पास में, तो ये एक अद्भुत चीज़ हुई थी मिजोरम में पिछली बार। मेरे ख्याल से ये अच्छा मौका होगा इससे पहले कि सारे रुझान आ जाएं, ये बताने का किस तरह से नॉर्थ ईस्ट पर फोकस कैसे बढ़ गया है और नॉर्थ ईस्ट कितना डिस्कस होता है, और खासकर प्रधानमंत्री का उसका फोकस बहुत ज़्यादा है, चाहे वो रेल नेटवर्क हो, चाहे वो सड़क का नेटवर्क हो। सड़क का नेटवर्क पिछले 10 साल में अमन दुगना हो चुका है, करीब 8,000 किलोमीटर सड़क हुआ करती थी नेशनल हाईवे, और वो करीब 15-16,000 है। रेलवे नेटवर्क करीब डबल हो चुका है, टेलीकॉम कनेक्टिविटी 1.5 से 2 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। तो जो लुक ईस्ट, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी में हो प्रधानमंत्री की, चाहे वो इंटरनल पॉलिसी में हो, वो मेरे ख्याल से काबिले तारीफ है। वहां पे 9 एयरपोर्ट हुआ करते थे, अब 17 एयरपोर्ट फंक्शनिंग है, एक वाटरवे हुआ करता था, इस समय 18 वाटरवेज है, चाहे स्वदेश दर्शन स्कीम हो, चाहे प्रसाद स्कीम हो, जिसमें टूरिज्म पे बहुत काम किया गया नॉर्थ ईस्ट का। और आप किसी से साधारण से भी पूछिए, पहले की तुलना नॉर्थ ईस्ट में जाना आना उत्तर भारतीयों का, दक्षिण भारतीयों का बहुत बढ़ गया है। नॉर्थ ईस्ट तो एक दूर की जगह अलग थलग मानी जाती थी 2014 से पहले, उस पे जो फोकस रहा है प्रधानमंत्री का वो काबिले तारीफ है, और उसे उनका पॉलिटिकल गेन भी हुआ है उससे, उनको सीटें भी काफी मिली हैं। इस वक्त मेरे साथ नीरज हैं दिल्ली के विजय चौक से, अमित पांडे दिल्ली के विजय चौक से, भवानी सिंह जयपुर से, मनोज शर्मा भोपाल से, यतेंद्र रायपुर से इस वक्त मेरे साथ लाइव है। हमारे सारे संवाददाताओं की फौज इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है। पहले यतेंद्र, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि छत्तीसगढ़ बहुत इंटरेस्टिंग रहा, मतलब छत्तीसगढ़ की उम्मीद तो शायद पॉलिटिकल पंडितों को, नेताओं को भी उस तरह से नहीं थी, राइट ऑफ कर दिया गया था बीजेपी को, लेकिन यहां तो बीजेपी ने 54 पार कर लिए। यतेंद्र,